दोस्तों देख सकते हैं बांद्रा लोकल के अलग ही ट्रैक बनी हुई है दोस्तों। ये G19 का कोच है तो इसमें ही प्रॉपर पानी आ रहा है और ये दोस्तों इधर डस्टबिन दिया गया है। ये दोस्तों ऐसे कि साइड में छोटा है तो इसमें कि जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो आ नहीं पाती हैं, तो इसलिए ही हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरी बैग बांधते हैं ताकि जब उसमें जो जो कचरा ना आ पाए वो इसके अंदर लोग डाल सकें। ये हम दोनों कोच के बिल्कुल ही जॉइंट पे बांधते हैं ताकि दोनों कोच के बेंच में कचरा डाल सकें। G2 का कोच है और इसके अंदर सर ये होल्डिंग वाला जो है जो सीट होल्ड करते हैं, यहाँ पे हैवी नहीं था, कोई चेंज भी नहीं है ना इसके लगाने वाला है। दोस्तों हमारे सोने का कैबिन देख सकते हैं, इसमें दो लोग काफ़ी आराम से सो सकते हैं और बैठ के आराम से खाना वाना भी खा सकते हैं। और ये बिल्कुल कोच के बाहर ही दिया गया है और यहाँ पर नीचे सीट आराम से, यहाँ पर बैठ के भी देख नज़ारे देख सकते हैं और यहाँ पर आराम से सो सकते हैं और नीचे सामान वामान भी रख सकते हैं। सेम साइज़ का कुट्टा नीचे भी है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की मेरी जर्नी होने वाली है 12216। आपने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी थी उसमें मेरी ट्रेन नंबर थी 12215, यानी कि वो दिल्ली सराय रोहिला से बांद्रा तक आई थी। और आज जो मेरी ट्रेन जर्नी है 12216, यानी कि बांद्रा से जाएगी दिल्ली सराय रोहिला। तो अभी जो हमारी ट्रेन अभी बांद्रा स्टेशन पर खड़ी है, अभी ये 12 बजे यहाँ से चलेगी और हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोग यहाँ से खाना वाना खा करके, जो भी मॉर्निंग में आए थे 7:30 बजे, उसके बाद वो खाना वाना खा करके नहा धो करके बिल्कुल तैयार है, गाड़ी प्रॉपर रेडी है, अब यहाँ से 12 बजे चलेगी। और अभी गाड़ी चलने में टाइम है तो अभी मैं एक बार गाड़ी में राउंड करके प्रॉपर चेक कर लूँ ये प्रॉपर कोचों में पानी वानी आ रहा है कि नहीं, और हमारे जितने भी अटेंडेंट है उन्होंने प्रॉपर बेडशीट अपने अपनी सीटों पर रखी है कि नहीं, और जो भी टॉयलेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीन है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो बांद्रा गाड़ी है यहाँ पर आने के बाद यहाँ के स्टाफ उसको मेंटेन करते हैं, तो हम सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि जब गाड़ी यहाँ से चलने वाली हो एक बार राउंड करके प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। हम चलिए एक बार चेक करके प्रॉपर करें। ये दोस्तों देख सकते हैं इसमें प्रॉपर पानी वानी आ रहा है, ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा कैरी बैग भी इधर बांध दिया गया है साइड में ताकि जब भी डस्टबिन का कचरा भर जाए तो उसमें डाल सकते हैं। G19 का कोच है तो इसमें ही प्रॉपर पानी आ रहा है और ये दोस्तों इधर डस्टबिन दिया गया है। ये दोस्तों ऐसे कि साइड में छोटा है तो इसमें कि जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं वो आ नहीं पाती हैं, तो इसलिए ही हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कैरी बैग बांधते हैं ताकि जब उसमें जो जो कचरा ना आ पाए वो इसके अंदर लोग डाल सकें। ये हम दोनों कोच के बिल्कुल ही जॉइंट पे बांधते हैं ताकि दोनों कोच के बेंचेस में कचरा डाल सकें। तो दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो बांद्रा स्टेशन से निकल चुकी है बिल्कुल अपने ऑन टाइम 12 बजे, और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है बोरीवली और उसके बाद फिर सूरत। दोस्तों ये पार्सल के डब्बे हैं, जो गाड़ी के अंदर पार्सल यान जो होता है तो ये सारे पार्सल उसी डब्बे के अंदर जाते हैं। देख सकते हैं बांद्रा का स्टेशन है और काफ़ी अच्छा बोर्ड बनाया गया है, यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है ये। अब जो है हमारी ट्रेन यहाँ से बिल्कुल रफ्तार में चलेगी और पहुँच जाएगी तुरंत बोरीवली, यहाँ से आधे घंटे का टाइम लगेगा बोरीवली पहुँचने में, तो जब तक हम आगे और गाड़ियों को चेक करते हैं। ये है दोस्तों G12 का कोच और इसमें भी देख सकते हैं प्रॉपर पानी वानी आ रहा है, इतनी है कि दोस्तों डस्टबिन ऐसा है इसमें पैरों से क्लिक करेंगे लेकिन छोटा सा ही है, इसलिए इसमें कुछ जो प्लेट वगैरह होती है खाने की वो जाती नहीं है, जल्दी भर जाता है, इसलिए हम एक्स्ट्रा कैरी बैग यहाँ पे बांध के रखते हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं बांद्रा लोकल के अलग ही ट्रैक बनी हुई है दोस्तों, और ये है बोरीवली लोकल और इस साइड आएगा अभी बोरीवली का मेन स्टेशन। गरीब रथ को देने के लिए तेजस। ये दोस्तों देख सकते हैं हम लोग बिरयानी लाए हैं यहाँ बांद्रा से बाहर से पैक करवा करके, तो भाई ने तो खाना स्टार्ट भी कर दिया और मैं भी निकालता हूँ बिरयानी, और जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोग यहाँ से बिरयानी खाते हैं और फिर आगे से खाना वाना खाएंगे। ये है कि बिरयानी यहाँ की बहुत टेस्टी होती है दोस्तों, हम तो भाई तो स्टार्ट भी हो गए, क्या आवाज़ है, वहाँ पर भी फटाफट से खा लेते हैं। लग रहा है इसका ये निकल गया। वो सामान रख रहा सीधा सरकार के पड़ा, वो तो पूरा फटा से बच गया, हल्का सा फट गया है। सर ये G2 का कोच है और इसके अंदर सर ये होल्डिंग वाला जो है जो सीट होल्ड करते हैं, यहाँ पे हैवी नहीं, सर कोई भी चेंज भी नहीं है ना इसके लगाने वाला है कोई, तो अभी ये सर के चोट लग गया था यहाँ पे जो इनकी सीट है G2 में, 4 नंबर सीट है सर ये, लग नहीं रहा सर ये बार बार निकल जा रहा है। ठीक सर, इसको मैं अटेंड करवाऊंगा दिल्ली में, जब तक इसको नीचे करके रखिए।
हमारी ट्रेन है वो सूरत स्टेशन से निकल चुकी है और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है वरुच। तो दोस्तों अब जो हमारी ट्रेन है वो वरुच स्टेशन पहुंच चुकी है, देख सकते हैं ये वरुच की नदी है। हमारी जो ट्रेन है वो अहमदाबाद स्टेशन पहुंच चुकी है, देख सकते हैं अहमदाबाद का स्टेशन है ये। और अभी यहाँ पे पानी वानी भरा जाएगा, टाइम से वैसे पहले आ गई थी, काफ़ी देर से खड़ी है। जो है हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद स्टेशन से बिल्कुल टाइम से, और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है गांधीनगर कैपिटल। ये देख सकते हो दोस्तों अभी हमारा भाई इसको बाहर से लेके आया, स्टेशन के बाहर से, क्या बात है। ट्रेन का जल्दी आने का फ़ायदा उठाया हमारे राम सूरज भाई ने, बाहर से लेके आया। अब तो पोस्ट देने लग गया, अभी लड़ाई कर रहा था। जाओ अपने अपने कोचों में जाओ फटाफट, हम लोग को यहाँ पे आराम से चैन से खाने दो। क्या बात है, वोटे तेरी बॉडी, रुक रुक रुक, फ्लैश जूम करने दे। ये हमारी ट्रेन का विक्सो है, ये विक्सो बॉडी बिल्डर, हाइट कम फाइट ज्यादा। भाई अभी कोल्ड कॉफी इंजॉय करते हुए नेस कैफे का, और ये हमारे पेंट्री से मिल जाता है आप लोग को जब भी आप गई में चलते हैं। और अभी दोस्तों आइए साबरमती नदी, देख सकते हैं साबरमती की नदी है। अभी अंधेरा ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देख सकते हो वहाँ पे जो लाइटिंग का ये प्रॉब्लम, साबरमती नदी है दोस्तों गुजरात की सबसे फेमस नदी। देख सकते हैं हमारा भाई अभी ठीक ठाक कर रही है, यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगाएंगे, थोड़ा गाना वाना बड़ा हो जाएंगे। देख सकते हैं हमारा स्पीकर भी, इसमें थोड़ा गाना वाना बजाएंगे अभी लोग। ट्रेन के अंदर पानी पीने के लिए ये जो बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे डब्बे होते हैं, इसके अंदर पानी भर लेते हैं स्टाफ के लिए, ताकि हमें बार बार स्टेशनों पे भरने की जरूरत ना पड़े। एक ही बार में दो तीन डब्बे मुंबई से भर लेते हैं, जो हमें दिल्ली तक काम आता है। आप लोग भी यदि मेरे जितने भाई लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वो लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे, वैसे बड़े डब्बे को भर लेते होंगे अपने साथ में। ये दोस्तों साबरमती रेलवे स्टेशन, अब इस साइड की तरफ लाइटिंग कम है, देख सकते हैं साबरमती का। हमारी ट्रेन का तो स्टॉपेज है नहीं यहाँ पर, लेकिन बाकी जो ट्रेन आती है वो यहाँ पे रुकती है, और वहाँ पे भी देख सकते हैं अभी तेजस एक्सप्रेस खड़ी है। दोस्तों हमारे सोने का कैबिन देख सकते हैं, इसमें दो लोग काफ़ी आराम से सो सकते हैं और बैठ के आराम से खाना वाना भी खा सकते हैं, और ये बिल्कुल कोच के बाहर ही दिया गया, और यहाँ पे नीचे सीट आराम से, यहाँ पे बैठ के भी देख नज़ारे देख सकते हैं और यहाँ पे आराम से सो सकते हैं, और नीचे सामान वामान भी रख सकते हैं, सेम साइज़ का कुट्टा नीचे भी है। खाना वाना खा रहे हैं, देख सकते हैं आज ये सेवई की सब्ज़ी, ये राजमा की सब्ज़ी, और ये छोले, और ये हम लोगों ने यहाँ आबू रोड से मंगवाया था खाना, और अभी हम लोग खाना वाना खा करके सो जाएंगे, और आपसे मुलाकात होगी मॉर्निंग में यानी कि जयपुर में। तो ये फालना का स्टेशन है, अभी बज रहे हैं 12:30। हम दोनों का जो कोच है 9 और 10, तो हमारे जो कोच के अंदर है वह जयपुर से आएंगे पैसेंजर, तो जो भी बोर्डिंग है वो जयपुर में होगी, तो हम लोग जगेंगे जयपुर से थोड़ा पहले, जग गए तो ठीक है, नहीं तो जयपुर में तो जगना ही है। तो भाइयों अब जो हमारी ट्रेन है फालना स्टेशन से निकल चुकी है, और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वह है अजमेर, और अब सच में आप लोगों को बाय गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, देख सकते हैं सुबह के कितने 7 बजने वाले हैं, जयपुर निकल चुका है। जयपुर में हम अभी जगह थे, लेकिन इतने सारे पैसेंजर आए कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, पूरा कोच खाली हुआ था हमारा, ये G10 का कोच, और पूरे पैसेंजर भरे हैं 9 और 10 दोनों में,
देख सकते हैं अभी कंबल वगैरह फोल्ड किया जा रहा है, फटाफट इसको फटाफट कंप्लीट कर लिया जाएगा अपना काम। और अभी हमारी जो ट्रेन है वो जयपुर से निकल करके आगे दूर चल चुकी है, और अब काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा अलवर आएगा जब तक हमारा काम भी फिनिश हो जाएगा। अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक गई, शायद क्रॉसिंग है क्या, रुक गई हमारी ट्रेन, सिग्नल तो रेडी दिख रहा भाई। नीचे ओए पीछे जा रही है गाड़ी, तू कहाँ जा रहा है नीचे, ट्रेन रोक नहीं, सिग्नल तो रेडी है भाई, क्रॉसिंग होता तो दिखाता ना। पहिया पंचर हो गया, देख देख देख, बाय बाय टाटा। देख सकते हैं हमारा दोस्त राम सूरज अभी नीचे उतर के चेक कर रहा है कि गाड़ी आखिरकार रुकी क्यों, क्या रीजन हो सकता है रुकने का। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अब यहाँ से चली है, अब हम भी अपना काम हम फिनिश कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि 7 बजने वाले हैं और 8:15 पे आएगा अलवर। भाई अब जो हमारी ट्रेन है वो अलवर स्टेशन पहुँच चुकी है, बिल्कुल टाइम से पहले ही पहुँच चुकी है, वैसे 8:15 का टाइम है। तो अभी हम लोग अलवर स्टेशन पहुँचे और अभी हम लोग जा रहे हैं कचौड़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आती है कचौड़ी सभी स्टॉप के लिए, और हमने बम्बई से फ्रूट भी लिए थे और पीते हैं केले, और अभी यहाँ से जाके लाए लेंगे कचौड़ी और फिर करेंगे हम लोग नाश्ता, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वह रेवाड़ी। हम लोग अभी कचौड़ी लेकर के जा रहे हैं और अभी नाश्ता वास्ता करेंगे। राम सूरज भाई अभी फ्रूट नाश्ता करने के लिए आए हैं अभी यहाँ पे, देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ट्रेन के अंदर ये सब नाश्ता और खाना पीना करते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती खाना पीना खाने में, सब अपना अपना खरीद के खाते हैं। तो भाइयों अब जो हमारी ट्रेन है वो रेवाड़ी स्टेशन पहुंचने वाली है बस थोड़ी ही देर में, वैसे टाइम से तो पहले चल रही है ट्रेन, और ये हमारा भाई एक अंदर लेटा हुआ है देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ट्रेन है पूरी पूरी राउंड करेगी, देख सकते हैं इंजन आपको दिख रहा होगा बिल्कुल वहाँ पर सामने, अब यहाँ पर हमारी पूरी ट्रेन घूम जाएगी बिल्कुल सर्कल में। ऑलमोस्ट 50% हमारी ट्रेन खाली हो चुकी है, अब 50% पैसेंजर बचे हैं जो दिल्ली कैंट और दिल्ली सराय रोहिल्ला पे उतरेंगे। तो अब जो हमारी ट्रेन है वो दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंच चुकी है, देख सकते हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला का रेलवे स्टेशन है और ये इसका लास्ट स्टॉप है, ये भी ट्रेन खड़ी रहेगी और फिर यहाँ के बाद जाएगी मेंटेनेंस में। अब देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर कोच खाली हो चुका है, अब जितने भी पैसेंजर थे सब लोग उतर चुके हैं अब, और हमारे जो कोच अटेंडेंट होंगे उन्होंने प्रॉपर बेडशीट वगैरह भी उठा ली है, और वो सभी लोग यहाँ से जो बेडशीट फोल्ड किया उन्होंने वो यहाँ पर उतारेंगे, उसके बाद देख सकते हैं उन्होंने सारी बैरिंग्स वगैरह उठा स्टेशनों पर उतार ली है। देख सकते हैं दोस्तों हमारे जितने भी अटेंडेंट है सब ने इस तरीके से गांठे को यहाँ पे दिल्ली सराय रोहिल्ला पे उतार दिया, ताकि अब यहाँ से लोड होकर के लॉन्ड्री पे जाएगी, देख सकते हैं आगे तक प्रॉपर गांठों को उतार लिया गया, और ये हमारा टैडी भी अब हमारे साथ घर जा रहा है, कमरे पे जा रही है, ये है इसके मालिक राम सूरज वर्मा, चलो भाई लॉक कर दो चलो। तो दोस्तों अब हम लोग दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और अभी हम लोग जा रहे हैं एसएससी ऑफिस और वहीं पे साइन वगैरह करवाएंगे और सब लोगों की ड्यूटी वहीं पे ख़त्म होगी, और उसके बाद हमारी जो ट्रेन है आज पूरे दिन रेस्ट होगी और फ्राइडे को भी पूरे दिन रेस्ट होगा, और फिर ये चलेगी सैटरडे को, यानी कि सैटरडे के मॉर्निंग में 8:55 पर चलेगी। तो अभी जितने भी हमारे स्टाफ लोग हैं सब लोग घर पर जाकर रेस्ट करेंगे आज और कल। पहुँच गया एसएससी ऑफिस सीनियर सेक्शन इंजीनियर, यहीं पर दोस्तों साइन वैन होंगे सभी स्टाफ के, देख सकते हैं मेरे नाम की भी एंट्री होगी इधर, अवधेश कुमार साइन
तुम भी करो सही। तो दोस्तों अब हमारे जितने भी स्टाफ लोग हैं सब लोगों ने साइन वाइन कर दिया और हमारा जो लास्ट पेपर था उस पर सिग्नेचर वगैरह भी हो चुका है, मतलब यहाँ पे हमारी ड्यूटी खत्म। अब जो हमारी ट्रेन है वो कल रेस्ट करेगी और सैटरडे को चलेगी। आज भी पूरे दिन रेस्ट होगी, कल भी पूरे दिन रेस्ट करेगी, अब सैटरडे को चलेगी 8:55 पर। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमारी गाड़ी के अंदर जो भी कंप्लेंट वगैरह हमें रनिंग गाड़ी पर देखने को मिलती है तो उस सारी कंप्लेंट को हम यहाँ पे एक रजिस्टर मिलते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर, उसके अंदर एंट्री कर देते हैं। उसके बाद जब गाड़ी मेंटेनेंस पे जाती है तो वहाँ पे जा करके उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि ये जो गाड़ी है जो रनिंग गाड़ी पर इसकी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक किया जाता है। आपने देखा वीडियो के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो रनिंग गाड़ी के अंदर आती है। तो मेरे जितने भी स्टाफ भाई लोग हैं जो अलग अलग गाड़ी पे भी काम करते हैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी यदि रनिंग गाड़ी पे चलते हैं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको अपने ट्रेन ड्यूटी या यहाँ के जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे जा करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आशा है कि मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग भी धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आने वाले टाइम पे जितनी मेरी वीडियो आएगी थोड़ा बहुत कुछ हम एक्टिविटी करना चाहते हैं अपने वीडियो के अंदर ताकि लोगों को हम थोड़ा अवेयर कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें साफ़ सफाई को लेकर के, ताकि वो जब भी कहीं भी ट्रैवलिंग करें तो अपने आसपास को साफ़ सफाई जरूर बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये किसी एक के हाथ के बस की बात नहीं है, जब सब लोग अवेयर होंगे सब लोग जागरूक होंगे जबकि ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई रह पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। और यदि आप बेल आइकन भी दबा देंगे तो जो भी हमारी वीडियो आएगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।